जी जी निकल आओ देखो भाई, और नई चीज़ शुरू करते हैं, कोई आसान सी चीज़ है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक ऊपर से प्लान आता है कि ये करना ये करना ये करना। अभी यही छुट्टी पूरी दी का है ना प्रोग्राम ये, कि फिर वो कहते हैं कि आगे बढ़ो भाई, जो जो रह गया पीछे रह गया, उसके बाद जब शुरू होगा फिर हट के होगा। ठीक है, हो जाएगा अभी शुरू है, मैं करा दूँगा उसके बाद। एक जो है ना, दो चार दिन बाद में एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे, ठीक नहीं है? जो आपको टाइम है शायद 14 तारीख के आसपास बाइनो मिल का, ठीक नहीं है? तो आज जो है टूर्नामेंट इशू करते हैं त्रिकोण में, ठीक है? बार बार फॉर्मूले भी आते हैं इसके, आते हैं ना, ये है त्रिकोण मिति कहते हैं हिंदी में, ये टूर्नामेंट क्या है, टूर्नामेंट ठीक है भाई, सुना कभी नाम बहुत सुना होगा, ठीक नहीं है? सबने सुना होगा भाई, इसका नाम बहुत ईजी है, थोड़े से इसके फॉर्मूले ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन है ईजी है। आज जो है हम जाए तो बिल्कुल शुरू से करेंगे भाई, बिल्कुल जहाँ से शुरुआत होती है, बिल्कुल जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से शुरू करेंगे और आगे तक के बढ़ते जाएंगे। फिर 8-10 लेक्चर हैं, बिल्कुल आखिर तक के जो जो आता है सब कुछ हो जाएगा। हैं जैसे इनवर्स होता है, फिर इसकी इक्वेशन है, फिर इसकी बॉडी है, इनक्वालिटी है, बहुत ज़्यादा है इसमें कुछ, ठीक है? तो इसमें जो है त्रिकोण मिति में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल पूछते हैं। तो क्या होता है एंगल, ANGLE एंगल, ये तो होती है एंगल। हिंदी में क्या कहते हैं कोण, कोण होता क्या है नहीं? कोण 30, कोण 40, कोण 50, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, रटा होगा भाई, हैं? अब इसमें भी करेंगे, अब साइन 30, अजी कितना कोण है इसका, साइन 30, ये त्रिकोणी तो पता ही है कि साइन पढ़ाऊंगा मैं, तो होता क्या है, ये 30 है क्या सीधे एंगल, यहाँ से शुरू करेंगे नहीं, फंडामेंटल बिल्कुल शुरू यहाँ से है, फिर इसके बाद होगा शुरू। नहीं तो भाई साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये तो सबको पता है ही है, तो नहीं बात है, तो बताओ क्या है, ये एंगल होता क्या है, होता क्या भाई एंगल, पता नहीं? हाँ डैम टू, एक इन्होंने कहा है कि एंगल जो है, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी वजह से हो रहा है, थोड़ी सी देर लेट नहीं तो जो आगे बता देता है। एंगल क्या होता है, टू डायमेंशन, इन्होंने कहा टू डायमेंशन भी होता है और थ्री डायमेंशन भी होता है। चलो और कोई एंगल क्या होता है भाई, इन्हें होता है कौन क्या होता है एंगल की, सुना कौन कहाँ सुना, एक तो एंगल हो, एक एंजिल हो, एक एंजिल गए हैं फरिश्तों गए हैं, एक एंजिल आ गए जी, तो बच्चे देखे हैं परियों की कहानियाँ थी, हैं छोटे घर में बच्चों को एंजिल एंजिल करता रहता होगा वो, हैं ये एंगल है, एक तो यह फर्क है। एंगल होता क्या है भाई, एंगल एंगल हो ना, तुम्हारा घर कहाँ, कहा तुम्हारे सामने है, अरे तुम्हारा घर कहाँ, तुम्हारे सामने, तो दोनों का आमने सामने है, हैं है नहीं, क्या कहे चश्मा लगा रखा,
ये है त्रिकोणमिति है, एंगल आ गया। देखो भाई अब लेकिन एंगल में एक दिक्कत थी, ये दो तरफ से घूम रहा है, एक इनिशियल तो ये थी भाई, इनिशियल तो ये थी और फाइनल ये है इसका, जो तो फाइनल टच कह रहे हैं घर में भी काम से, फाइनल टच हो रहा है हमारे, तो अब मजा आ गया, हमारा घर बन गया है, ये फाइनल है, ये इनिशियल, इनिशियल से फाइनल जितने के बीच मूवमेंट होगा, यानी जितना भी घूर्णन होगा, हिंदी में क्या गया है घूर्णन, जितना भी मूवमेंट होगा वही उसका एंगल कहलाता है, वही क्या कहलाता है। अच्छा ये एंगल भी दो तरह से हुआ, एक तो जो हुआ ऊपर की तरफ गया और ये नीचे की तरफ, हिंदी में क्या कहते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त, इंग्लिश में क्या कहते हैं क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक, इधर घूम इधर कहाँ घूमा ये ऊपर, तो इसे बोलते हैं क्या एंटी क्लॉक वाइज। देखो कहाँ थी इनिशियल, कहाँ थी यहाँ से की तरफ गया भाई, है यहाँ से ऊपर इधर, घड़ी घड़ी तो घड़ी यूँ घूम है, इधर घूम है घड़ी, एंटी जहाँ भी एंटी आएगा उसका मतलब हमेशा इंग्लिश में भी उल्टा होता है। अगर इलेक्शन हो गए प्रधान तो गाँव में रहने वाले तो अब कहेंगे ना हमारे एंटी प्रधान के इलेक्शन बहुत चलाएगा, ये वो वोट देना एंटी हमारे पहली बता रहे हैं, अब होने वाले अगले साल इलेक्शन है, चलता नहीं वहाँ दो महीने पूरी रहे हैं, पूरी रात को दिनों हैं, अब यूँ नहीं देना अभी हमारा एंटी भाई। अब ये तो एंटी हो गया, एंटी का मतलब घड़ी की दिशा ही चला है, घड़ी में तो चला है भाई, अब तो नहीं है शायद तुमने सुई ने देखी हो, लेकिन ज़्यादातर पहले ऐसी घड़ियाँ होती थी यूँ चलती सुई वाली, अब तो ऐसी चल रही है, अब तो नहीं गए सुई वाली तो देखी हुई घड़ी, फिर भी इस तरह चला है, इस तरह चक्कर लगाती है, ये क्लॉक वाइज आ गई है, क्लॉक वाइज तो दो डायरेक्शन हो गई, कौन सी डायरेक्शन हो गई भाई, एक तो एंटी क्लॉक वाइज और एक एंगल क्या हो गया, कोण क्या हो गया, प्रारंभिक स्थिति से फाइनल स्टेज तक के जितना भी मूवमेंट होगा वही उसका एंगल कहलाता है। अब तो परिभाषा नहीं है, शुरू में जो बच्चों को अगर फिफ्थ तक के अगर हम डेफिनेशन पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे एंगल की, ये भी तुमने पढ़ी होगी, उसने कहा ये क्या है भाई जरा सा, ये बोलते हैं पॉइंट, ये क्या बोलते हैं point. और पॉइंट किसे कहते हैं भाई, चलो ये बता दो, चलो मुझे पॉइंट पॉइंट को कहते हैं क्या वो पॉइंट, किसी वस्तु की पोजीशन पॉइंट होती है, पोजीशन तो तुम्हारी भी है, तुम कहाँ बैठे तुम पॉइंट थोड़े हो गए, और कहाँ पॉइंट कहाँ पोजीशन पा भाई तू, देखो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इधर समथिंग, पॉइंट वो चीज़ है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई विमा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं पॉइंट कहते हैं, तेरा ये पॉइंट देखा तुमने कहीं दुनिया में, कहाँ देखा नहीं कहीं, कहाँ देखा बताओ, नहीं पॉइंट दुनिया में जाती मतलब जिंदगी में, मैं किसी बच्चा बुच्चा भी अब तुम्हारा भाई बच्चा छोटा बैठे पॉइंट का दिखाऊंगी कहाँ पॉइंट कहाँ को, अगर एंगल तो ही बता दूंगी, देख ये देख एंगल को ही दिखा दूंगी, देख ये देख एंगल बन रहा है, तो बिजली का तो बहुत बड़ा पॉइंट है, मार देगा बच्चे मर जाएगा स्वाद करते हैं, वो देखो देखो एंगल कहाँ बताऊँ, एंगल देखो एंगल तो बनाने का तरीका बैठे ये भी एक देख ये बन गया एंगल, देख बननी क्या देख बच्चों बता देंगे, तो बेटे बच्चे मुझे पॉइंट कहाँ बनना भाई, पूछ सकता है बच्चा, पूछता है यूँ पूछता है पापा पॉइंट क्या है, अभी तो हटा ही दोगे पॉइंट टू पॉइंट थ्री तीन पॉइंट थ्री, देखो पॉइंट क्या होता है, रात को एक शेर होता है जानवर, कौन सा शेर हो जानवर, मच्छर, शेर नहीं होता बता क्या है भाई आलिया है, वो काट लेता है, काट के दरा था क्या छोड़ जाओ वही निशान वही पॉइंट, इतना सही होगा इतना था समझिए, तो बच्चों को बता दूंगी यदि वो पॉइंट दे रहा था इन्ना था जिधर छेड़ेगा फेज नहीं पड़ा वो नहीं दे रहा था इधर वो शुरू है यही पॉइंट है, इन दो पॉइंट को मिलाने से कोई दिक्कत तो नहीं, बोर्ड तो नहीं हो रहे भाई, ये आउट ऑफ सिलेबस बता रहा मैं तुम्हें बात मैंने शुरू से ही है, ये इन दो पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है, ये लाइन बनती है, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क होता है, एक लाइन होता है एक लाइन सेगमेंट होता है, एक तो यानी रेखा लाइन का मतलब क्या होती है रेखा, और एक रेखा खंड यानी लाइन और लाइन सेगमेंट, बिल्कुल शुरू से कर शुरू होता है जहाँ बच्चों को बिल्कुल शुरू से पिरामिड से पिरामिड से कहा करते हैं, तो रेखा और रेखा खंड इन दोनों में फर्क होगा भाई। अच्छा रेख पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, बिंदु, देखो बिंदु रेखा ये सब हीरोइन आ फिल्मों की है नहीं, बिंदु सुना होगा नाम, रेखा भी सुना होगा भाई, हीरोइन अभी आजा जिंदा है तो ये सब हीरोइन है, तुम्हारी मम्मी का भी नाम है, चलो अच्छी बात
चलो खैर, ये देखो ये रेखा और रेखाखंड में क्या फर्क होता है भाई? भाग होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, आई बात नहीं। ये इन्होंने ये बताया मुझे कि देखो भाई रेखा तो ऐसी, रेखा तो ऐसी हो, उसे दोनों तरफ कितना ही बढ़ा दो, उसे दोनों तरफ कितना ही बढ़ा दो अनिश्चित होता है, इसलिए इधर भी तीर का निशान लगाना है, अगले बैठे इधर भी तीर का निशान। ये होती है रेखा। ये क्या होती है रेखाखंड? क्या होता है इसका हिस्सा जो निश्चित हो, जो निश्चित हो। ये हो गया रेखा, रेखाखंड हो गई। ये तीन चीज रेखा का एग्जाम्पल भी है कोई दुनिया देखी रेखा, देखी रेखा कोई ऐसी क्या एग्जाम्पल दुनिया में? पढ़ती होगी, बहुत पढ़ी होगी रेखा, रेखा या लाइन लाइन करेंगे हम भी, लाइन लाइन करेंगे हैं, टू डायमेंशन लाइन, थ्री डायमेंशन लाइन है, पता नहीं रेखा क्या हो, जैसे बड़े हो गए रेखा समझ रहे होंगे क्या हो। एग्जाम्पल कहाँ है, जैसे मैंने बता दिया पॉइंट के एग्जाम्पल सेट है बोलने के लिए, रेंगल का भी एक बता दिया मैंने यहाँ, ऐसा ही मुझे एग्जाम्पल बताओ उसका, रेखा कैसी, रेखा कोई देखिएगा तुमने या रेखाखंड, इन दोनों का एग्जाम्पल बताओ मुझे, रेखाखंड या रेखा देखी तुमने बच्चे को? रबड़ को इतना खींच दो भाई वो क्या बन जाएगी, वो रेखा बन जाएगी। अरे दोनों का अनिश्चित है इसके पॉइंट, इन पॉइंट पता नहीं कहाँ से शुरू हुए कहाँ तक खत्म होगी, तो बताया मैंने इससे रेखा हो गई, जब कितना हाथ कमा गया, हाथ इतने कितने लंबे कितने खाते मुख्य हैं वो किसी के गाँव के हाथ खेते हैं तगड़े तगड़े हो जाएंगे, जो दिख नहीं रहे हैं तो छोटे से हाथ हैं, दरअसल एक मीटर के नहीं डेढ़ मीटर के होंगे। और तुम्हारा तो वैसे भी मेरा ज़्यादा, तुम्हारा आधे पेप्सी वो है हाथ, आधे पेप्सी साइज है, इसे साइज क्या बोलते हैं आधा पेप्सी, जो छोटे छोटे हों, भारत में ज़्यादा आदमी कैसे कैसे साइज के हों, जैसे नौ आधा पेप्सी तो बोल रहे हैं, बड़े बड़े नहीं होते हैं वो कहीं, जैसे जैसे क्रिकेट में बैठते हैं वो लंबे लंबे ऐसे थोड़ी हों, सचिन तेंदुलकर इसका लगा गया उनके सामने खड़ा हुआ है तो ठीक। तो क्या है भाई देखो रेखा क्या है कि इंद्रधनुष की रेखा देखिएगा यार तुमने, वो आसमान पर जाए देखो वो लाल सी रेखा दिख ही नहीं यार कहाँ जाए वो रेनबो, देखिए पता होता कहाँ से शुरू हो रही वो लाइन तो हो गई, लाइन सीजीमेंट क्या हो गई एक स्केल होगी तुम्हारी 15 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर हो गई। अब तुम भूल लें जहाँ ये दो रेखा काटती है वहाँ क्या बनता है, एक कोण बनता है, ये है बन, ये भी पढ़ाते हैं बच्चों को, ये भी पढ़ा होगा तुमने, अरे ये भी पढ़ा होगा। खैर मेरा भी इससे लेने देना है कि द मोमेंट बिटवीन इनिशियल स्टेज एंड फाइनल दैट इज कॉल्ड द एंड, दैट इज कॉल्ड द, हाँ तो बात में आ। अच्छा एक क्या होता है एंगल के लिए, एक होते को एक होता है सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर का मतलब सर्कल, सर्कुलर कहते बना सर्कल थे जो यूँ बना रहे बैठे बैठे बना रहे पीछे है नहीं, वही तो ठीक नहीं है बना रहे बस समझा, सर्कुलर मतलब गोल, पाथ का मतलब रास्ता, सर्कुलर पाथ। देखो क्या है दिक्कत नहीं है सुनने वाले मजा आया पढ़ते आगे मैडम, देखो क्या कॉन्सेप्ट समझ भी आना चाहिए, हम पढ़ के आ रहे हैं, अब मुझे पढ़ रहे हैं बस मैं पता कुछ नहीं है, अब कौन पढ़ रहे पता कुछ नहीं है, अब पढ़ लिया कौन है अजी नहीं बता, हो गई बात नहीं बता देंगे, हो गई वो बात उलझ रही है अभी कहाँ था बहुत है अभी तो उसका काफ़ी कुछ रहेगा आपका। देखो एक ये सर्कुलर पाथ है गोल पाथ है भाई, ऐसा ही तो होगा गोल, मेरे पास सर्किल बनता नहीं लेकिन फिर भी लगभग ऐसा मान लो गोल ही है। ये इसका क्या बोलता है भाई, यहाँ से क्या बोलता है ये पॉइंट नहीं, इसे सर्किल में क्या बोलते हैं, सर्किल में हैं सेंटर, हाँ हैं हैं तुम आदमी हैं तुम, लेकिन यहाँ जो टीचर होगी वहाँ स्टूडेंट है, जिनने कैच पकड़े ली वो मिलिट्री मैन या आर्मी में जो है तो हरे आदमी, तो ये क्या हो गया ये सेंटर आ गया, क्या आ गए अगर सेंटर से इसे मिला दो ये क्या कहलाता है भाई, ये रेडियस इनिशियल रेडियस थी, मान ले यहाँ से चल के यहाँ आ गया ये, यहाँ से चल के और ये, तो यहाँ से चल के यहाँ आ गया तो ये क्या आ जाएगा इसका एंगल आ जाएगा, मान ले इसे एस डिस्टेंस यू करा और ये क्या आ जाएगा, ये कितनी है इसकी आर है, दिक्कत नहीं है एंगल ये क्या होता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है कोण का, क्या बेटे शाबाश, एंगल बराबर, एंगल बराबर क्या होता है
चाप कितना है इसका? आर्क चाप को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आर्क। और त्रिज्या कैसे कहते हैं? रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, यानी आर्क कितनी है भाई साहब ये? एस अपॉन आर। अगर मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मान लिया एंगल कितना है ये थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। यहाँ तक की तो बात समझ आ गई है जी। अगर बाई चांस ये भाई साहब यू कहें कि ये जो एस जो है आर की इक्वलेंट होगा, क्या कहा? एस जो है आर के हो सके, हो नहीं सकती? यही ज्यादा बड़ी बात है, हम तो बराबर दल की नहीं सीधा करता है। तो कितना जाएगा? आर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आ गया? वन ये थीटा इक्वल वन डिग्री हो गया है वो। अगर कर रहा है वो चाप क्या है कि त्रिज्या के इक्वल हो जाएंगे, तो हिंदी में है इफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस देन वी कैन टेल दैट इज कॉल्ड द वन डिग्री एंगल। वन डिग्री आई बात में। अच्छा, जब ये एंगल आ ही गया, ये पता लग ही गया तो ये डिग्री का एंगल है, ये तो है। तो ये सारा है, ये सारा एंगल ही तो है सारा, ये सारा एंगल ही नहीं है गोल गोल। ये कितना एंगल होता है गोल गोल सारा? ये इसके हिस्से करके कितना होता है? 360। ठीक है, ठीक होता, गलत तो नहीं बताया इन्होंने। इन्होंने कहा कि भैया 360 डिग्री है यू, है जी। अच्छा, एंगल के यूनिट क्या होती है यार? रेडियन हो। अरे हमने डिग्री पढ़ रही है, तो बड़ी दिक्कत आ गई भाई, ये सही बता दी उन्होंने, इसका मैं गलत पढ़ा रहा, ये गलत ही पढ़ा रहा। जो उसकी लेंथ यूनिट है वो यूनिट अपना चाहिए, नहीं पढ़ा रहा क्या मैं? अब तुम भी ठीक ठीक कर रही है तो मैं भी ठीक ठीक है नी। अब ये तो ऑनलाइन है, तुम तो वैसे भी गलत नहीं पढ़ा सकता आदमी, इसे तो डीएम बड़े 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 भी देखते होंगे भाई। तो क्या होगा फिर? क्या होगा इसका मतलब? रेडियन और एंगल में भी कोई रिलेशन है, जब ही तो होगा नहीं कि मामा जी घर में तुम वैसे थोड़ी घूमोगे, तुम्हारे मामा जी ले घूम। मैं अगर कोई जागा मैं छोड़ छोड़ चला गया हैं, पकड़े लेंगे सारे, कहाँ जाऊँगा? तो इसका मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ ठीक पढ़ा रहा हूँ, ये आप भी ठीक पढ़ रहे हैं, डिग्री है, डिग्री और रेडियन में क्या होती है? रिलेशन होती है। क्या होती है? क्या रिलेशन हो भाई? अच्छा, जैसे मान लिया ये है, मैं कहूँ जो 30 डिग्री है, इसे भाई इसमें बदलिए रेडियन में, किसको बदलूँगा? क्या करेंगे? पाई गुना 180। बिल्कुल शाबाश, ठीक का 30 × 30 = 180 है, यही तो कट है। एक की पाई में गुणा करके पाई और पाई बटा 6 आ गया रेडियन। किसी कोई शक है भाई? एक क्यों गुणा करी यार मैंने पाई बटा 180 रट लिखे हमने तो है, गुणा क्यों करी यार ये पाई बटा 180? अजी बताया था मैं कि दस मैं यूँ बताया था मैं कि यूँ कहा पाई अगर कहीं भी एंगल दिखे और पाई बटा 180 एकदम गुणा कर लिया एकदम रेडियन उत्तर आ गया। नहीं बताया था, नहीं गुणा क्यों करी यार? ऐसा भी तो हो सके बगैर रटे काम चल सके? बस मोबाइल भी देखना, खेलना भी है, कहीं पहले से मेमोरी इतनी फुल चल रही, हर चीज़ रट जा गई है, ऐसा क्या हो सकता है भाई? सुरो से क्या हाँ पाई का मान 180 हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी ने मना करा। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ इसे भाई पाई बाई 3 को से डिग्री में बदलिए, फिर क्या होगा? 180 / 5 क्यों हो रहा है इसमें? अभी तो 180 / 5 कर लो इसमें, क्यों हुआ अब? क्या हुआ अब? क्यों करा 180 / 5? अब क्यों कर लिया? मतलब मैं गलत नहीं कह रहा भाई, भाई साहब आपको मैं गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल 100% सही है। आप बिल्कुल कहते हो ना 100% सही हो, लेकिन हो क्यों रहा है? मेरी समझ नहीं आ रहा है। 1 डिग्री में 2 पाई रेडियन है, इन्होंने ये बताया, थोड़ा सा गलत कर दिया, बताओ तो सही रहे थे, थोड़ा सा गलत कर दिया कि जो 360 है वो 2 पाई के इक्वल हो भाई। यूँ बताया इन्होंने, यूँ नहीं बताया? और पाई जो है रेडियन हो तो इसे रेडियन को सी लिख दें ऊपर, तो पता होगा। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यूँ तो होगा भाई, यहाँ से 1 रेडियन क्या इक्वल हो जाएगा? 180 / 5 पाई नहीं आ जाएगा, क्यों हो? नहीं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, 1 रेडियन क्या इक्वल हो जाएगा भाई?
183/5 नहीं आ जाएगा, और यहाँ से 1 डिग्री क्या आ जाएगा, 5/180 डिग्री आई नहीं बात में आई नहीं। अरे वो है ना जिसको चेंज करें यही तो होगा, जब ये 1 निकालोगे उसके नीचे नहीं जाएगा ये, जो 1 डिग्री हुआ है वो है। तो क्या फॉर्मूला आ गया ये, यानी कि 1 रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 अपॉन पाई। और क्या लगा यहाँ से, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। यूँ तो चेंज करें या और तो चेंज करें भाई, ये है वो वहाँ से निकला होगा। अब आगे सुनो, तुझे भूलने भाई मतलब पता तुम्हें सब कुछ था, मैंने कोई नई बात नहीं बताई, मैं थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन की थी, क्या भाई नई बात नहीं बताई है। आगे बढ़ें भाई, मज़ा आया भाई ठीक से, कुछ बड़ी नॉलेज थोड़ी थी। अच्छा आगे बढ़ते, कंपनी इतना तो काम हो गया, कोई छोटे बहन भाई को बता दें भाई अब बताइए क्या चीज़ है। चलो आगे बढ़ो, और क्या है अच्छा देखो भाई क्या है इसमें जो है वो तुम्हें पता ही है, और कुछ एंगल भी कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे क्या फॉर्मूले होते हैं, जैसे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये 60 मिनट तो होते हैं, ये मिनट का निशान है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड ये क्या का निशान है भाई, ये क्या का निशान है, और ये पता तो है भाई, निशान भी ध्यान रखे जो है पता भी होगा वैसे तो भाई, ये बताए अब 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, बच्चे से पूछे हैं छोटे से बता बेटे, छोटा भाई पढ़ता हो बच्चा है वो बता दें 3 घंटे में 300 मिनट होंगे, तो मीटर सेंटीमीटर याद है उसके बच्चा छोटा सा पता नहीं रट रखा उसने भी, क्यों हमने रटा उतने भी रट रखा है, अब कितने होंगे, अब अच्छा भी बता रहा गुना के फिर बता दें वो सही बता दें बच्चा ठीक है। तो यहाँ पे बात सुना भाई, अब क्या होता है इसके बाद आगे बढ़े भाई, मजा आया छोटा सा, अब कुछ थोड़ा सा और सीखेंगे भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी बात। क्या होता है, एक होता है चतुर्थांश, एक क्या होता है चतुर्थांश, क्या होता है सुना तुमने, कितने होते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं चतुर्थांश को भाई, क्वाड्रेंट है बेटी शाबाश, शायद मैंने बताया हुआ है सुना होगा कभी, मैंने मुझे भी सुनाया सुना नहीं, क्वाड्रेंट चतुर्थांश, चतुर का मतलब चार ही नहीं दिए गए, 1 2 3 4 1 2 3 4। एक तो ये तुमने कोऑर्डिनेटर पढ़े होंगे जहाँ से मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत, अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या फ़र्क आया इसका, एक ट्रिग्नोमेट्री में होता है ASCC, सुना जो सुना तुमने क्या है जो, नहीं ये ASTC क्या है, और ये समझ आ गया, इन्होंने बताया मुझे कि इसका मतलब है एक मतलब ऑल स्कूल टू कॉलेज, क्या मतलब है इसका, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यूँ नहीं बता रहे तुम ये, ऑल स्कूल टू ऑल का मतलब सारे, सारे का मतलब ये इन्होंने बताया कि मुझे ये यहाँ लिख लियो जी, एस यहाँ लिख लियो, टी यहाँ लिख लियो, सी यहाँ लिख लियो, यूँ तो बताया था मुझे, ये इतना ध्यान रखिए भैया, ऑल क्या होता है भैया, हाँ ये सारे हों, कितने हों भाई ये सारे, कितने हों भैया, छः हों, हाँ कितने होते हैं ये, क्या होते हैं ये छः होते हैं, कौन कौन से, थोड़ा पढ़ जाना आदमी से, आसान नहीं रहा कि मैं एकदम सीधा ये यहाँ ही लेगा तुम्हें, यानी पहले मुझे साइन बताना चाहिए था, तो बताते हैं बच्चों को साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यूँ याद कर, मुझे पहले ये बताया जाओ है, मैं तुम्हें सीधा गया तुम्हें पता है नाम सुन के लिए जैसे डायरेक्ट वहाँ के लिए जा रहा, इसमें सारे आते हैं, इसमें क्या होते हैं सारे, कौन कौन से भाई बता सको मुझे, फिर मेरा भी याद आ जाएगा, है नहीं, साइन
साइन अगे कोस टेन कोट बता तेरे ये भूल जाए जो अगे सिक भी कहते हैं इंग्लिश में सिक क्या बोलते हैं फैक जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो क्या बोलते हैं फैक सिक जो इंग्लिश में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं जिन इंग्लिश वाले बच्चे सिक बोलते हैं किसी बताते हैं क्या बोलते हैं क्या कहते हैं सिक कहते हैं क्या कहते हैं वो सिक है और जो यूपी में पढ़ते हैं वो कहते हैं फैक ये थोड़ा फर्क होता है समझ लियो अगर मैंने सीख कहा जब भी समझ लियो फैक का मतलब वो मतलब यूं ना समझो कि कुछ और नई चीज़ आ गई है थोड़ी इंग्लिश सॉफ्ट होती है ना तो साइन कोस टैन कोट आगे फैक अरे इतना यूपी बोर्ड वाला जाएगा तो वही कही होगा ना लंबा करके है समझ में आना चाहिए कह लो कुछ भी है इन्हें क्या कहते हैं भाई ये होते क्या चीज़ है यार ये हाँ हाँ मतलब होते क्या चीज़ है वो तो फॉर्मूले बताया तुमने मुझे फॉर्मूले थोड़े पूछा मैंने हैं मेंट्री यही होती है बस खत्म वही भेज तो आज यही अगर होती है तो ये होती है रेशियो इसमें क्या कहते हैं इट इज द रेशियो ये रेशियो होते हैं ये किसके रेशियो होते हैं भाई ये ट्राइंगल के ट्राइंगल की नहीं ट्राइंगल की साइड की रेशो ट्राइंगल की रेशो नहीं कहेंगे ट्राइंगल की ये होते हैं साइड की रेशो एक होते हैं ना कोरिलेशन वाले एक क्या होती है कोरिलेशन एक क्या होती है एक क्या होता है रेसिप्रोकल एक क्या होता है रेसिप्रोकल देखो भाई जब इलेक्शन होता है प्रधान जी का दो ही चीज़ हो वहाँ क्या हो या तो कोरिलेशन होगा को का मतलब साथ होगा या रेसी रेसी का मतलब एंटी ऐसा भी होगा बीच में हो ऐसा भी हो गाँव का प्रधान नहीं इलेक्शन है बीच में नहीं होता कोई भी अगर मैं इधर भी उधर भी है वो तो बहुत इसे नहीं कोई पूछता है या तो इधर हो या तो ये जब ये छः रेशो आ गई मेरे पास इनकी भी जो है ये नई चीज़ है तुम्हारे लिए वैसा पता है तुम्हें सर बता दूँ तुम्हें ये क्या पहली बात करोगे तुमने ये कोरिलेशन और रेसी प्रोपर अब ये कह रहा कि वो साइन के हर आदमी के दो हों देखो क्लास में भी जब आप पढ़ते होंगे वहाँ दो ही तरह के आदमी होंगे ये तो एक कुछ दोस्त होंगे कुछ ऐसे होंगे मगर अच्छा से चेक करेंगे वहाँ निकल है नहीं तो इसका साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है उल्टा कोसेक साइन का उल्टा क्या होता है इन्वर्स तो भी आया नहीं तो आगे भाग गया कोसेक अरे कोस का टैन का फोर्स अरे कोस क्या का फोर्स का सब बता दूँ यार टैक का क्या बना सही ना बराबर हो गया एक नो गलती बड़ी एक इधर बराबर हो गया ठीक है बैलेंस हो गया देखो भाई ये इसके रेसिप्रोकल है ये इसके क्या होते हैं अगर मैं यहाँ एंगल लगा दूँ तो साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा क्या आ जाएगा ये साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा एंड सेक थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा वन अपॉन जहाँ से मेरी गलती हुई थी कोसेक सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक एक ही भी लिख दूँ जहाँ गलती हुई थी भाई मेरे से है नहीं कभी सोचो कि यार ये वैसे ही सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन ये सब एक दूसरे उल्टे हैं इस तरह ही कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा भी होता है भाई यही नहीं होता कोसेक अरे सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा कोट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा यहाँ तक तो बात हम आ गई अब ये कोरिलेशन क्या होता है याडी कौन हो साइन का याडी कौन हो जिसके साथ ज़्यादातर साइन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हूँ वो इसका याडी जो साइन का याडी कोस बस ये उसका कोरिलेशन आ गया साइन का कोरिलेशन कौन होता है कोस अरे कोस का कौन होगा बस जब ये इसका तो इसका भी तो होगा एक तरफ ही चला दोस्ती बस अरे टैन का हाँ टैन है क्या हो टैक अरे कोसेक का वही फॉर्मूले हैं दोस्ती नहीं मिला नहीं है ये बहुत कम कह रहे हैं तुम्हारा मैं हाँ ये ज़्यादातर ये क्या कोरिलेशन होता है ये क्या होते हैं ये होती है कोरिलेशन यहाँ तक बात नहीं होगी भाई अब हमने क्या पढ़ लिया
अच्छा अब मैंने क्या किया, ओल का मतलब क्या आ गए, सारे पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव आ गए, छः के छः। एफ, एफ का मतलब साइन, साइन का उल्टा जो यहाँ दोनों चलेंगे, पर दो की पूछ हो इलेक्शन वाली, या तो प्रधान नहीं, जब इलेक्शन हो जाता है निमट जाता है पूछ कर हो दो क्यों हुआ। अब कौन सार सार कौन साथ नहीं था, क्योंकि जो हारा वो भी जो है ये तो चेक कितने वोट देंगे हैं, और जो जीतता कौन कौन साथ था है, ये तो है नहीं पठानी के इलेक्शन लड़ रहे थे भी हम ये दिन करे, तो जब साइन भाई साहब हैं तो साइन के साथ क्या आएगा, यहाँ जब टेन थे यहाँ तो क्या आएगा इनके साथ, जब ये कोस थे तो इनके साथ कौन से भाई साहब आएंगे, यहाँ तो बात आ गई है समझ, आज आते जा रहा तो साइन कुछ क्योंकि हल्के हल्के आते जा रहे हैं। अब ये चलो भाई साइन भी हो गया, इसके साथ मैंने एंगल भी लगा दिया, मान लो कोई एंगल है साइन थीटा, क्या है एंगल, ये रेशियो होती है, क्या होती है ये जितने भी एक नामी इसका क्या रखा मैंने, रेशियो रखा, नामी से क्या रखा मैंने, रेशियो किसे कहते हैं हिंदी, अनुपात को, अनुपात क्या होगा भाई, अनुपात अनुपात है नहीं है, ये तो समझ आ गया आज स्कूल क्या था, ये ओल बोलने तो नहीं कभी, स्कूल और कॉलेज में क्या फर्क हो भाई, हाँ ट्वेल्थ तक क्या होता है स्कूल होता है, कॉलेज कहाँ तक होता है, हाँ जिसे यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद होता है, स्कूल से पहले क्या होता है वो मतलब जैसे प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, एक से आठ तक को क्या बोलते हैं भाई, एक से आठ तक के, जब से बच्चों को एक से आठ तक के बच्चों क्या कहा जाए, फ़र्क क्या है, फ़र्क इतना सा ही है, छोटा सा ही फ़र्क है, जो मैं देखो ये पर्सनली है मेरी, वो इससे सिलेबस से कोई लेना नहीं है, मैं एजुकेशन को तीन तरह से मानता हूँ, एक टू एट, एट टू एट और नाइन्थ टू ट्वेल्व और ट्वेल्थ टू नहीं, हाँ बस यहाँ बी ए या बी एस सी समझ लो, ग्रेजुएशन समझ लो, पी जी ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएट नहीं, बी ए बी एस सी जो भी समझ लो, तू अब तू यहाँ तक पढ़ेगा, यही फ़र्क है तीन हिस्से हैं, इसमें क्या फ़र्क है छोटे बच्चों का, इसे जो एक से आठ तक में जाता है बच्चा स्कूल नहीं जाता बिल्कुल भी, जी नहीं चाहता बिल्कुल भी, बच्चे माँ बाप को मार मार के भेजते हैं चल स्कूल जाइए, अब पापा छुट्टी आ गई मम्मी छुट्टी है, तो मैं जी चाहता है छुट्टी वो स्कूल की बहुत आना, इसमें क्या क्या चाहता है बच्चा, अबे छुट्टी बता दो बच्चों को आज छुट्टी है कुछ देगा ना बहुत बढ़िया, अब वो कह रहा था पापा, वो कह रहा था मोनू कह रहा था मोन लेगा छुट्टी कल की स्कूल की, छुट्टी बताओ जाओ बच्चा है, और मम्मी पापा लग जाएंगे कहे हैं ये बेनिफिट मैसेज आ रहे हैं इनके पास, आजकल फ़ोन से जुड़े पड़े हैं, अब वो छुट्टी जाएगी पापा मौसम ख़राब है, बहुत मौसम ख़राब, बारिश हो गया पापा छुट्टी हो जा, बारिश भी हो गया अच्छा छुट्टी कर रहे हैं वही मान गया है, तो ये एक से आठ तक की ये पढ़ाई होती है, यहाँ भाई बच्चा बड़ा परेशान रहता है, और साथ में क्यों परेशान रहता है, वो क्लास में पूछता भी रहे उन्हें काम न करा बजेगा, काम न करा कॉपी भी शेयर उठती रहे उसकी, बता भाई कौन कहाँ तेरी मम्मी को बताऊँगा पापा को बताऊँगा, शिकायत भी जगह पापा की है। इसके बाद नाइन्थ, अच्छा यहाँ एक और चीज़ है, टीचर बड़ा परेशान है इसमें, यहाँ इसमें टीचर की बड़ी परेशान दुर्गति है, दुर्गति है वो क्या है, बेटे नहा करा कहते हैं रोज आना, बच्चा नहाना नहाता नहीं करके चला जाऊँ तो भी हैं बेटे बाल काटते हैं नखून काटते हैं, यहाँ ये बड़े झंझट से चल लगते हैं साथ, जैसे ही जो यहाँ आया फिर इसे कहने की जरूरत नहीं है नहाना, नखून लगाने मतलब नेल पॉलिश करनी है, नखून साफ करने हैं, और स्प्रे फिर तो परफ्यूम वर्फ्यूम खुद ही अपना टिक 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 करके भाग जाएँ, यहाँ से जरूरत नहीं है, और साथ में एक और काम सीख लेता है यहाँ, एक छः महीने के अंदर ही जाते हुए रास्ते में जो है ना, अगर कोई नई की दुकान है लड़का तो उसे भी सेटिंग वेटिंग करके आ गया खुद ही टिप टॉप रहे हैं भाई, वो पहले स्कूल बाद में जाता है, कहाँ जाएगा पहले वो जाएगा नहीं, वो कंघा तो देख के नई परेशान जो होगा ये स्कूल खुल गया मेरी दुकान होगा बेटा कर, एक घंटे तो नहीं देखो जाओ बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों मना कर नहीं सकते हैं, अब वो कोई कंघा उसके यूँ मारेगा, अरे भाई ठीक चल रहा और भाई सब ठीक, पूछना नहीं वो एक लड़का भी जाएगा दुकान पर, और भाई सब ठीक, ये कंघा यूँ खटपट सी करेगा ओके, और वो उसका फव्वारा भी उसका उसको देख के, तो जहाँ वो स्कूल के आसपास जो एक नई से बात हो रही थी, अब जी मैं परेशान हूँ, अब क्यों, अब सुबह को जो है आठ से नौ तक की मेरी दुकान में ग्राहक कम क्या सीढ़ी के ज़्यादा हो जाओ, क्या कहेंगे और ठीक करेगा चल भाई अंदर क्या चले स्कूल में अटेंडेंस यहाँ हो रही हो उसकी, ऐसा ही नहीं होता, तो यहाँ टिप टॉप रहना शुरू हो जाओ। इसके बाद यहाँ आया,
ये उसकी मौज मस्ती यहाँ से खत्म हो जाएगी। हाँ, इसके बाद यहाँ आया, यहाँ उसके पापा कहते हैं छोटा एक दो साल यहाँ रहता है कि बेटे कर क्या रहे भाई आप यहाँ से बच्चे पूछने लग जाते हैं कि भाई कर क्या रहे तू, अब फला का बच्चा दिए एकदम नीट मतलब जारी होगी पहले साल ही, अब उसे वहाँ टेंशन लेनी शुरू कर दें घर वाले भी, अब तेरा पूछ ना तेरा जारी दिएगी वहाँ वो कर्नल बन गया जनरल बन गया और तू ही पढ़ा तक कि रोटी रोटी खा रहा तू ना तेरा खेत वो तो खेत का भी काम करे तर ये तू बड़ा सारा हो गया। तो यहाँ से बेचारा यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाए और वो जितने होने लगती है बस वो बेचारा परेशानी में शुरू हो जाए, ये परेशानी शुरू हो जाए क्योंकि अब उसे छोटी की तमीज भी आ जाए, जैसे यहाँ तो मम्मा इतनी पैसे मांग लिया चाचा ऐसे पैसे मांग लिया सबसे मांग लिया यहाँ पैसे मांग नहीं बंद हो जाओ पैसे के भी आधार सिर्फ मम्मी पापा रह जाओ यहाँ नहीं शर्म आती से यहाँ तो मम्मा जी को कहता है जी मम्मा जी पैसे दे दो जरा या चीनी लानी झूठे भी बोल जाए झूठ चल जाए यहाँ काम, तो यहाँ से थोड़ी तमीज अच्छे बुरे की भी आ जाओ शर्म भी लेने लग जाओ थोड़ी बोल जाए बड़ा सारा हो जाओ है। तो अभी उसे फिर यहाँ पर जाएगी नौकरी भी करनी थी काम जब चलेगा घर का घर में कुछ है नहीं यहाँ के तो शहन का समझते अपने पापा को नहीं बड़े पैसे हमारे पास हैं अभी यार कुछ करूँगा तो कुछ मिलेगा है तो यही एक तो मन की यही एक पढ़ाई है कहाँ बात की बात रही मैंने हाँ ये आगे था भाई हाँ तो रेशो क्या थी भाई रेशो क्या है ये पता नहीं आप पता नहीं रहते बड़ा सुना दिमाग में घुस गए हम अपने मकसद से भाग गए हैं। देखो ये क्या था रेशो था रेशो क्या है एक मान एक ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है क्या एक ये एक राइट ट्राइंगल है देखो भाई ये एक राइट ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल किसे कहते हैं देखो ये भी राइट ट्राइंगल होती है और अब तुम बड़े हो गए ये भी राइट ट्राइंगल हो जाती है ऐसी हाँ ऐसी भी राइट ट्राइंगल हो जाए हो नहीं जाती ये धुनी आई उसकी धीरी लाइन हो बच्चों को बता रहे हैं देखी हुआ राइट ट्राइंगल देखी कभी कहीं देखी कहाँ देखी कहाँ बताओ कहाँ देखिए बताओ एक एग्जाम पर बताओ हैं वर्त में कहते हैं अर्धवर्त में स्थित कोण समकोण होता है हैं इन सेमी सर्किल द सबटेंडेंट एंगल विल बी टू द राइट एंगल यानी कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है इस तरह वो अर्धवर्त में बना कोण अर्धवर्त यू तो भाई यू अर्धवर्त जो इससे व्यास से बनाया कोण है यू फ्रेंच के यही नहीं बनाते भाई पढ़ियों की तुमने दसवीं की आ रही है पढ़े भी बहुत इस्तेमाल हो जाए बहुत जगह जगह इस्तेमाल हो जाए। तो खैर ये एक राइट ट्राइंगल है क्या है ये एक राइट ट्राइंगल है इस राइट ट्राइंगल का ये निशान है 90 डिग्री के हमेशा सामने की भुजा क्या होती है हाइपोटेन्यूज जिसे कर्ण बोलते हैं महाभारत वाला कर्ण ये क्या होती है हाइपोटेन्यूज जिसके साथ ही 90 डिग्री बना रही है उसे क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर पी ये मान लिया एच है परपेंडिकुलर ये जिस पर टिकी होती है उसका नाम क्या होता है बेस बेस का मतलब क्या हो गया बी ये पूरा लिखू बेस ये बी का मतलब पी का मतलब एच का मतलब जो इनकी ही रेशो है जो इनकी रेशो है वही क्या कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाता है इनकी जैसे मान लिया ये एंगल थीटा है मान लिया ये एंगल जो ये थीटा लूंगा इसके सामने की साइड ही अपोजिट साइड ही वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है ध्यान रखने वाला क्योंकि थीटा यहाँ भी ले सकता हूँ और मैं यहाँ भी ले सकता हूँ ये ध्यान रखने वाला है नहीं पता भी होगी ये बात आपको तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भाई ऐसा नहीं सारी राम का सही कर दी क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेस अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन फिर इनके उल्टा है भाई साहब साइन का वो बताया था साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा इक्वल क्या आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा क्या जाएगा ये क्या जाएगा लिख लो मुझे कोई दिक्कत पता भी होगा या लिख ये तो इनके भाई साहब की रिलेशन ये मैंने ये रेशो और देसी प्रोटोकॉल में समझवा गया बिल्कुल एक एक तरह की अब इनकी कोरिलेशन कोरिलेशन में क्या होता है जैसे साइन का कोस का क्या रिलेशन होता है क्या रिलेशन होता है भाई इज इक्वल टू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ये भी तीन तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको किस तरह देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस अगर ये इस्तेमाल ये भी कर लूंगा मैं कहीं इस्तेमाल पड़ेगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, ये भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तरी और किस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लूँ, क्या जगह है, साइन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ये रूट, ये भी इस्तेमाल कर सकता हूँ भाई। ये है इनकी रिलेशन देख, साथ में देखिए यहाँ भी घूम रहा याडी, ये भी इसका याडी, ये भी इसका याडी, ये भी इसका याडी है, जब याडी आता तो दोस्ती, इसलिए फिर क्या कहते हैं अब कोरिलेशन में इसके भाई साहब, ये ठीक है भाई। अब इस तरह ही टैन और क्या होता है, टैन और कोट क्या होता है भाई, मिटो दो तो इसे, तुम्हें तो सब कुछ पता है, क्या कहते हैं पता सब कुछ है, क्योंकि नया सीखा ही नहीं आ जाए, वैसे दिमाग चल रहे हैं, कुछ तो सीखा ही होगा, ऐसी बात नहीं, कुछ तो सीखी होगी है। तो टैन और कोट में क्या देगा, सवाल तो करिए लेंगे, सवाल बढ़िया मैटर नहीं है, पहले फंडामेंटल क्लियर हो जाए ये चीज़ होती क्या है यार। देखो ये क्या है कि पीजी और जब इंटर की बढ़ाई के बाद यही फर्क है तैयारी में, उसकी में इसमें समझ जाए बच्चा कौन सा पूछते हैं कि होता क्या है, ये हुआ क्यों है, ये भाई यही तो सवाल है, क्यों और क्या, और नहीं तो सवाल तो तुम्हारे पास है ही भाई, दवा तो किताब भी नहीं पड़ती मोटी की वो है नहीं, सही नहीं है, सवाल तो सबके पास हैं, यूट्यूब पर फेसबुक पर दुनिया भर के सवाल हैं, किताबें हर मंथ ली है, मैं तो मैथ की देखती मैथ की हर मंथ ली आती हैं, आई टी किताबें छपती हैं, देखने को रात में। तो क्या है भाई, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा यहाँ से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये तो होता है भाई, और ये क्या होता है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है भाई। अच्छा भाई ये मैं तुम्हें बात बताना भूल गया, ये देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, वो तो हो गई सारी बात, सारी बात हो गई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है, और पाई की जो रेडियन में अगर एंगल में इसकी डिग्री होती है, एंगल में निकालने के लिए क्या होती है इसकी, ये याद रखिए भाई, मेरे भी ध्यान नहीं है, 57°45'। ये नई चीज़ है तुम्हारी, 57°45' और 17 मिनट 45 सेकेंड, ये याद रखिए भाई, मेरे भी ध्यान नहीं रहती, कितनी होती है पाई की वैल्यू, क्योंकि मुझे तो एग्जाम शायद अपने कभी देना पड़ा, इसलिए मैं तो किताब में देख के काम चल जाए, तो मैं याद रखना आपको, लेकिन यही फ़र्क है, हाँ बिल्कुल यही पाएगी एंगल की, इसलिए तो नई बात बताई मेरी, तुम्हें नहीं पता इसलिए तो तुम्हारे लिए नई बात है, ये नई बात होगी बस तुम्हारे लिए, लिख लो शायद कभी मिला मिला तुम्हें कभी जिंदगी में, या ऐसे कह सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू टू समकोण, क्या होती है वो बच्चों की, मैंने वो स्कूल पढ़ा देता है ना, वहाँ मैं भूल गया था, वहाँ बताते बताते भटक गए थे मैं, कह दिला तुमने कहाँ भटक गया यार मैं, क्या क्या पाई रेडियन इज इक्वल टू टू समकोण, दो समकोण ही तो होते हैं, 180 अंश होते, तुम बता रहे थे पाई बराबर 180, टू समकोण, ये सब जो है रिलेशन होता है, क्या होता है ये तो आ जाओ बीच बीच में जो अच्छा लगा नहीं, आगे बैठा थोड़ा सा, अब देखो बोर तो नहीं हो बिल्कुल भी, तो भाई देखो अब एक सवाल एक हो रहा है भाई, समकोण समकोण किसे कहते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल है, राइट एंगल, बस ठीक बता रहे भाई हैं, अब मैं अगर मैं जो है चलो अच्छी बात, जिसे 90° का गया समकोण ही तो गया, मैं ध्यान होते हुए दाव का चल गया, देखो भाई अब एक और फॉर्म देखते हैं, अच्छा अभी तुमने क्या पढ़ा होगा भाई,
साइन थीटा इक्वल टू क्या बड़ा है, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, ये क्या पढ़ा है भाई तुमने, साइन माइनस थीटा तीन बार होगा, पहले भी माइनस साइन थीटा, और ये माइनस टेन थीटा। यार ये अच्छा, इसे कोई याद करने का तरीका भी है, इसे याद रटे कहाँ तक के तरीका लिया है याद करने का जी, क्या याद नहीं है? हाँ तो चलो फिर देखेंगे, शायद कोशिश कर लेंगे तो याद आ जाए। दो दिन से संपूर्ण बताओ तो देखो भाई क्या है, देखो किसी में टोटल देखो भाई, देखो जो इसके तीन भाई बहन रह गए वो इसके उल्टे होंगे, तो लिखे नहीं मैंने जान के हैं कोसे का, वो जो जो भाई साहब कोस व्यवहार करेंगे वही सेक करेंगे, जो टैन करेंगे वही कोट करेंगे, साइन करेंगे वही कोसे, ये तो फिर अंडरस्टूड बात है। अब होता किस तरह है यार, ये बताऊँ किस तरह होता है, ये बता दूँ अभी क्या बताया था मैंने, ये मैंने वैसे नहीं बात की, बहुत काम की बात की, इसमें अगर तुम गौर से करोगे जब तुम पढ़ोगे देखोगे कि वैसे टाइम खराब नहीं करनी, सीधे भी सवाल हो सकता है, अगर करूँगा सवाल ये अभी लिखो भाई, अगर साइन थीटा बराबर तीन बटे पाँच तो कोस थीटा बराबर चार बटे पाँच करके दिखाओ है, ये तो क्या है ये, देखो ये मान लिया एंगल है ये भाई, ये मान लिया ये भी इतना ही एंगल है थीटा, इतना ही हो सका ये दिक्कत तो नहीं, ये मान लिया इसकी रेडियस है आर, ये इसकी कितनी है भाई, रेडियस होगी यूँ सर्किल से घूमने का है, रेडियस रही होगी आर, ठीक है भाई, यहाँ क्या होगा ये डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर होगी नहीं, देखो ये कितना बोलता है, ये बोलता है एक्स अक्ष, ये तो बोलता है ये क्या कहलाता है इस बीच का ओरिजिन, ये क्या कहलाता है वाई अक्ष, ठीक बना दे, कोई दिक्कत तो नहीं कि यहाँ तक गलती करी मैंने, अच्छा अब क्या होता है, अब ये मैं एंगल ले रहा हूँ यहाँ, देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है ए वाला, ये कौन सा है एस, स्कूल टू कॉलेज, पहले स्कूल जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे कॉलेज, अभी हम तुम स्कूल में यहाँ पढ़ रहे, तुम कहाँ पढ़ रहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऑल में आप ये है जैसे एक से आठ तक सब पढ़े हैं यहाँ सब बराबर हो हैं, कुछ पता ही नहीं इतना बच्चों के लड़ छोटी छोटी बात पे लड़े हैं, अगर जी इनने मुझे यूँ कहा अब तुझे बाहर निकल के मारूंगा बात लेके आया मैं टीचर में, अगर जी इसने क्या करा कि मेरा पेन ठा लिया जी एली क्रॉस से, और उसमें क्या गया जब पढ़ गया अगले पेन तू ले ले, मैं लिख रहा मैं तो बैठा तू लिख ले, मैं कॉपी वही तू लिख ले, मैं खुद दे रहा कॉपी पेन लिखा तू लिख ले, मैं बैठा हूँ बाद में दिखा दी मुझे बाहर है, क्योंकि व्हाट्सएप कर दिया मुझे बस, तो मैं बैठा आराम दे कि भाई खुद खुश खुद नहीं देते, फिर दोस्त ऐसे जाओ खुद नहीं लिखता, मैं दोस्त देंगे तू लिख ले, चले अगर पेपर देने भी जा रहे दो पेन है ना एक मेरा ले ले एक तो दोनों एक से लिख लें क्या हो गया, क्योंकि ऐसे ही नहीं होती हैं, फिर दोस्त ऐसे भी हो जाए और लड़ाई एक की हुई दूसरा पिल जाओ हैं, और मेरे दोस्त को आज ने पूछे हैं ठीक, अब क्या है मुझे ये निकालना है, अब देखो ये मैंने बताया था तुम्हें बताओगे ये नीचे माइनस की होती है डिस्टेंस भाई, तो मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है पी है, क्या है ये पी है, इस पे क्या होता है ये यहाँ अगर एंगल थीटा है तो इसके लिए क्या आ जाएगा माइनस थीटा, यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा बोल लो, साइन थीटा क्या आ जाएगा बोल लो, नहीं वो डिस्टेंस वाली माइनस माइनस का आया प्लस का आया, नहीं टेन थीटा क्या आ जाएगा, मान लिया बेस इसका यह है भाई वी है वी मान सकते तो प्लस की रहेगी या माइनस की रहेगी, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा बोल लो माइनस पी अपॉन क्या आएगा यार टेन थीटा माइनस पी अपॉन बी, हाँ अरे कोस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से बी अपॉन इसको आगे सुने प्लस क्या है माया भाई इसलिए आया वो आगे सुने इसलिए आता है वो जिसको यह है कोस माइनस थीटा कर ले बैठे यहाँ हम तेरे माइनस को मानते हैं हमें इसकी जरूरत है नहीं जो माइनस हुआ
अमित छोड़ दिए जो पोस्ट में भी गिनती नहीं होती है था वो फिर जो तुमने वो है हम तीनों दोनों से हो जाए लेकिन इन भाई साहब को टेन को साइन को इसकी ज़रूरत पड़ती है बेचारे से माइनस वाले की, इसलिए भाई साहब माइनस फंस जाते हैं ये दोनों है इसकी ज़रूरत ही है। तो इसीलिए क्या आ गया साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा बराबर माइनस प्लस कोस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। यहाँ तक बात समझ आ गई ठीक है, अब तो नहीं भूलने भाई आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सवाल करते हैं। अब तो बहुत हो गई राम कथा थी हैं कहते कहते क्या सवाल है ये, अगर मान लिया ये है कि कोस ए माइनस बी इक्वल टू, लिखो कोस ए माइनस बी इक्वल टू काट लिया करो भाई कुछ भी अगर, या मुझे रुकवा जाओ करो ऐसी चीज नहीं सारी, कोस ए माइनस बी इक्वल टू रूट थ्री बाई टू एंड साइन ए प्लस बी इक्वल टू वन, ये क्वेश्चन है इफ प्रॉब्लम क्वेश्चन, इफ कोस ए माइनस बी इक्वल टू रूट थ्री बाई टू साइन ए प्लस बी इक्वल टू वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन रेडियन, क्या कहा ए एंड बी की रेडियंस में वैल्यू निकाल लो इस एंगल की, इस तरह हो सके भाई ये सवाल कर सको करके दिखाओ नहीं तो फिर हम हैं ही भाई एक दो मिनट सुकून से मिल जाए। रेडियन में कहा भाई साहब ने, हाँ रेडियन में देखो इस तरह करते हैं, देखो अगर नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं बता रहा है, देखो भाई क्या है देखो भाई क्या करते हैं इसमें कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, रेडियन में वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री बाई टू में, कॉस की कितनी वैल्यू होती है पाई बाई सिक्स की होती है तेरी थर्टी की, ये हो गया कॉस पाई बाई सिक्स, ये कॉस से कॉस क्या आएगा क्या आएगा ये ए माइनस बी इक्वल टू पाई बाई सिक्स, यहाँ तो बात समझ में आ गई भाई। इसी तरह से ये साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या की वैल्यू हो गई साइन पाई बाई टू की, साइन पाई बाई टू क्या हो साइन नब्बे की वैल्यू कितनी हो, अभी इसकी वैल्यू बताऊंगा होती किस तरह परेशान ना होगा क्योंकि पता ही नहीं है, अभी बताएंगे ए प्लस बी इक्वल टू तो मांगी चलता है होगी, ये मान लिया कौन सी क्वेश्चन है ये फर्स्ट है ये सेकंड, मैं दोनों क्वेश्चन क्या कर लूंगा ऐड कर लूँ इस बी से जी जाएगा ए रे टू ए, टू ए इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई टू, इन्होंने सिक्स कॉमन ले गया पाई प्लस थ्री पाई टू ए है इक्वल टू कितना लगा ये
फोर पाई बाई सिक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू पाई बाई थ्री, तो टू ए इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, ए इक्वल टू टू पाई बाई थ्री इंटू टू, इस टू से टू जाएगा पाई बाई थ्री, या ए की वैल्यू कितनी आ गई, यस आठ। अब ए की वैल्यू कहाँ रख दूंगा मैं, यहाँ एक मेरे को शैंक हो, मेरे को निकाल लोगे, ये कह की वैल्यू आ जाएगी है ए एंड बी, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी इन रेडियन थोड़ा सा। एक और सवाल आगे बढ़ता है, छोटा सा सवाल, ये क्या होता है क्या कह रहे भाई, लिखो टू साइन की पावर सिक्स, माइनस थ्री साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, प्रूव करना है इसकी वैल्यू निकालनी है, एक ही बात है वो, नहीं इतना समझने जाने लगे होंगे, चेंज भी कर दिया, प्रूव दैट दिस वैल्यू ये विल बी जीरो और फाइंड दिस वैल्यू, फाइंड दिस ये हटा देगा, एक ही बात है अब इतना क्वेश्चन बनाने आ गया होगा, या बच्चों की तो लिखे हैं क्वेश्चन है, अब तो ये लिखे हैं भारतीय प्रधानमंत्री का नाम, तो प्रधानमंत्री लिखिए ये सीधा श्री नरेंद्र मोदी लिख दो, इतना काम से जाए, ये लिखा है सवाल भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम, तो समझ जाओ प्रधानमंत्री जो है, तो छोटे छोटे बच्चे लिख कर गए तीसरी में फिर सुना गया वो याद करिए, भारतीय प्रधानमंत्री जी का नाम जो है, तो बच्चे श्री नरेंद्र मोदी भी इतना कहते हैं, तो ऐसा ही है सवाल में, तो टू साइन की पावर सिक्स एक्स प्लस कोस की पावर सिक्स माइनस थ्री साइन की पावर फोर एक्स प्लस कोस की पावर फोर एक्स प्लस वन, इसे प्रूव करना है भाई, किसका करेंगे प्रूव, कर सको थोड़ा सा, जितना मैंने फॉर्मूला बताया उससे बाहर क्वेश्चन देना, उतना ही सवाल होंगे आज, जितने फॉर्मूले बताए हैं कोई नई चीज़ नहीं, करो या मैं करके देखूँ, या मेरे साथ कोशिश करो, या तुम ही करो थोड़ा सा, इसकी वैल्यू वैल्यू आएगी भाई, क्यों इसकी पूरे की क्यों, मतलब फॉर्म ले तो ये पढ़ रखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, ये पढ़ रखा भाई मैंने, देखिए किस तरह जाएगी वैल्यू इसकी, पावर कर किसकी सर इसकी, इसकी क्या कर दू पावर थ्री, तो फिर क्या आ गया, यहाँ भी थ्री और दे हैं, फिर क्या आ जाएगा जी, मेरे बताओ सवाल ठीक से बता रहे, बोलो साइन स्क्वायर एक्स की पावर तीन कर देंगे, इसकी पावर तीन कर दूँ अपनी तरफ से कर देंगे तीन, अच्छा 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 ये अच्छा यूँ करें ये यूँ यूँ फिर इधर भी इसकी इस तरह कर दो, फिर आगे हैं अच्छा अच्छा ये यूँ कह रहे तुम्हारे में ठीक लड़ाई थी हो रही मुझे तो लग रहा यूँ, फिर क्या हुआ दोनों सेम नहीं करी, यहाँ अच्छा अच्छा ए अच्छा अच्छा ए यू ए यू दो यू थी ना तीन सेम नहीं कर दी भाई ये तो बोलो सवाल ठीक, तुम दोनों ठीक बता रहे, तुम दोनों सही बता रहे, थोड़ा सा और थोड़ी हिम्मत सी कर लो, ठीक तो हो गया यू ना सवाल ये, तुम बताओ नहीं उसकी वैल्यू कहाँ बन जाएगी, तो साइन फिर तो कुछ भी कर लो, फिर तो यू साइन की पावर हंड्रेड एक्स प्लस कोस की पावर हंड्रेड एक्स इसकी वैल्यू होगी, फिर तो बन सबकी वैल्यू वन होगी, फिर तो सीधा फॉर्मूला नहीं पढ़ा ही हुए, फिर तो एक सीधा फॉर्मूला भी पढ़ते आप साइन की पावर एन एक्स प्लस
cos की पावर एन एक्स इज इक्वल टू वन। भाई 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 ये होता फिर तो है, ये तो ये भाई साहब ये रिलेशन वाले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सब बेकार हैं, उसने यार इतनी रिसर्च पढ़ी है। देखो कोई बात ठीक है ना, समझ में आ गया ना, थोड़ी सी दिक्कत आ रही इसमें, इसे दिक्कत को दूर करते हैं थोड़ी सी है। तुमने सवाल देखो भाई, इन्होंने ये बताया था मुझे, क्या बताया इन्होंने, इन्होंने ये बताया कि ऐसा कर लो इसे साइन स्क्वायर एक्स की क्यूब कर लो, ये तो बताया भाई इन्होंने बताया था। देखो मैंने भी कहा, इन्होंने कहा मुझे भाई ये हो गया ए क्यूब प्लस यही था भाई। अब मुझे फॉर्मूला बनाना है इसका, ये फॉर्मूला बनेगा ये ए प्लस बी की पावर थ्री का फॉर्मूला तो बता रखा मैंने डिमोर थ्योरम में, मैंने बताया था। तो क्या जाता है ए क्यूब प्लस बी, इधर तो यू आना ही है ना, नहीं प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। वैसे डिमोर थ्योरम में ये बताया था, देखो मैंने ए क्यूब कर दिया भाई, हो है नहीं, फिर के कोफिशेंट आए थे किस तरह आए थे, थ्री आएगा कोफिशेंट, इसकी पावर बढ़ेगी घटेगी या बी की बढ़ेगी, फिर तीन ए इसकी घटेगी इसकी बढ़ेगी और फिर इसकी बी की, ये नहीं बताया था एंड डिमोर थ्योरम में, ये नहीं बताया था मैंने, एक बढ़ेगा एक घटेगा, कोफिशेंट निकालने सिखाए थे। खैर छोड़ो, अब यह ए नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तीन ए बी इंटू ए प्लस बी है। देखो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये नहीं है मेरे पास, थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, क्या करता हूँ मैं से तीन ए बी, ए की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर एक्स, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है भाई साहब, ये दो बाहर है मेरे भाई और दो ही बाहर माइनस के है, दो ही बाहर ये तीन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या करा मैंने इस फॉर्मूला बनाने के लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तीन ए बी इंटू ए प्लस बी जोड़ दिया, तीन ए बी इंटू ए माइनस बी घटा दें, यहाँ तक दिक्कत सुनिए भाई ठीक है, कोई नई बात तो नहीं बताई जितना तो अभी तक आपके, इन्हों आपने बताया था मुझे, इतना तो आपने बताया था, मैंने तो नहीं कराते ना। अब इसे कोस साइन की पावर फोर है, कोस की पावर फोर है, इसे क्या करूँगा भाई मैं इसका, हाँ टू इसका टू और टू बताया इन्होंने बताया, तो ये अभी दोनों हो गए, तुम क्यों गलत हो गए, तो तुम्हारा भी नाम आएगा भाई, अब तुमने तो बताया था है नहीं, कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी, ये तो होगा इसमें प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी का मतलब टू ए की वैल्यू कितनी है भाई कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस टू कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कर दूंगा, क्योंकि सवाल में ये थोड़ी है कुछ भी जोड़ दो, जो जितना जोड़ो उतना ही घटाओ, जब बैलेंस भी तो रहना चाहिए थोड़ी, जो मुझे आंसर चाहिए फिर तो वही लिख दो सीधा आंसर भाई, अगर लेटा है प्लस फाइव चाहिए प्लस फाइव लिख दो है, ऐसा नहीं होता ना, देखो जितना जोड़ा उतना ही घटाया, इससे कैंसिल इससे, हाँ तो बस अब देखो ए स्क्वायर बोलो भाई क्या आ गया, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा था फॉर्मूला, ए प्लस बी की होल क्यूब, ए ए की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की होल क्यूब है भाई, और आगे क्या आएगा भाई साहब, ये जुगो तो इतना भूल जाइए है नहीं, क्योंकि रिश्तेदारी इसकी साथ ही निकली, इसकी इससे कोई लेने देना नहीं भाई, क्योंकि हम तो कह नहीं है, हम तो अपना हिस्सा लेंगे, हमारा कोई लेने देना नहीं है, होता नहीं है, अब मैं जमीन इनकी बिकी कहते नहीं भाइयों में जब लड़ाई हो जाए फिर घर जाके हैं जो देता हो भाई, हमारे पैसे हमें दे दिए या हमारी जमीन छोड़ दिए भाई, हमारा कोई लेने देने हम नहीं बेच रहे हैं, ऐसा ये कह जाके ये ना भाई जा कहा चलो भाई इधर के आगे बैठते माइनस वो प्लस बन गया देखिए आज ना भूलिए देखो है नहीं, हमने इसका हिस्सा थोड़ी खरीदा, प्लस क्या जाएगा भाई ये माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है बेटे माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स,
है जी, कहाँ पीछे प्लस लगा दे, कहाँ लगा दे, मैं समझा नहीं भाई। अच्छा सच्चे एक ही सवाल है, एक ही लाइन है, चलो बोल दो। देखो यार देखो बात अच्छी लाइन, हाँ तो भाई यथियात ले गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, वन का क्यूब जो आदमी था है, वन माइनस क्या आ गया, थ्री साइन स्क्वायर एक्स और स्क्वायर एक्स, फिर इसकी वैल्यू वन आ गई, वन की मल्टीप्लाई करके सीधा खत्म, छोटा हो गया। तो सवाल है थ्री मशीन मिला है, छोटा सवाल हो जाए हैं, ये भी क्या आ जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स फोर स्क्वायर एक्स प्लस। देखो ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया, टू टू आ गए माइनस सिक्स साइन स्क्वायर एक्स फोर स्क्वायर एक्स माइनस थ्री प्लस सिक्स साइन स्क्वायर एक्स फोर स्क्वायर एक्स प्लस वन। इस भाई साहब माइनस से ये भाई साहब माइनस से जाओगे, टू प्लस वन कितना आ गया, तीन और तीन माइनस तीन और बराबर जीरो, मतलब क्या कह रहे आ गया, बड़े खुश हुए आपसे पहले ही बड़े अच्छी बात है, उम्मीद थी मुझे कर लूँगी। ठीक है भाई, पहले छुट्टी यार मेरे की याद है, कोई दिक्कत तो नहीं, और पाँच दस मिनट देखो पहले छुट्टी काम होता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो भाई एक क्या होता है क्वाड्रेंट एंगल, एक क्या होता है क्वाड्रेंट एंगल, क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है सुना कभी नाम, चतुर्थांश एंगल है, क्वाड्रेंट तो सुना होगा तुमने यार, अरे जी सुन लिया, सुन तो लिया, सुना तो है मैं कहा, सुना भी नहीं कहा था, सुना है का, पढ़ने की बात नहीं कही तुमने, सुना है का, सुना नहीं, क्या होता है क्वाड्रेंट एंगल, अब
बात ये क्या यार, तुम कह रहे पढ़ाई दार तुम्हारा सब कुछ तो है। देखो क्या चाहते थान भी कौन सा इंक्रीमेंट डाल मिटो तो भाई थे जैसे ये लाइन थी मिटो तू जैसे ये चलते था ये था यहाँ यहाँ कौन कौन सा इंक्रीमेंट आता कितना बना था यहाँ जीरो फिर यहाँ कौन सा बना था 90 यहाँ फिर और यहाँ कौन सा बना था फिर 360 तो बना था। ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट एंगल। ये क्या कहलाते हैं क्वाड्रेंट एंगल। कौन कौन से 0 90 180 270 और 360 ये कहलाते हैं भाई क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है भाई एक और एंगल कहलाते हैं इसके बाद मतलब पार्टी है। एक होता है यहाँ तो बात नहीं होगी बेटे नई बात नहीं बात ही की होगी। एक होता है एलाइड एंगल। ये क्या होता है एलाइड एंगल। यो यो सुना भाई किसी ने सुना नहीं हिंदी बताओ हिंदी शायद नहीं रहो बिना तो भाई एलाइड एंगल क्या है अच्छा नहीं लग रहा है इंग्लिश का नाम तो जो अच्छा लग रहा है लाइट माइकल जैक्सन है टाइगर है कुत्ते ना नहीं रखते है भाई हिंदी में नाम रखा अब भाई अक्षंकर गोपाल है अब भाई जो जो भी नाम होते हैं मोनू चोनू के रखे हैं नाम कुत्तों का नाम तो अंग्रेजी में रखे हैं रखते नहीं किसी ने उनका कौन है कि मोनू हमारा रखा कुत्ते नाम क्या रखते हैं अंग्रेजी में अच्छे लगे हैं और बच्चों के क्या जैसे अंग्रेज अंग्रेज कुछ नहीं होते तो खैर तुम भी यार हर चीज़ की हिंदी एलाइड एंगल क्या होता है देखो बता दूँ एलाइड एंगल क्या होता है भाई टू एंगल आर कॉल्ड एलाइड एंगल इफ देयर सम और डिफरेंस विल बी जीरो और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू सुन मैंने ये राम कहता था दो एंगलों का सम या डिफरेंस क्या कहा बेटे दो एंगलों का क्या सम या डिफरेंस कितना हो जीरो ओ हो या तो और मल्टीपल ऑफ पाई बाई क्या कहा दो एंगलों का सम क्या हो या तो जीरो या मल्टीपल ऑफ इज कॉल टू द एलाइड एंगल। ये है एलाइड एंगल आई बात नहीं। अब इसका एग्जांपल क्या होगा ये तो बता दी थी तो क्वाड्रेंट तो सुन मांगे होंगे एलाइड बताओ ये बात तो जब है नहीं एक तो उसका मतलब भी नहीं पता ऊपर से इसका एग्जांपल भी ऐसा ही होना चाहिए नहीं एग्जांपल भी तो होना चाहिए इसका नहीं क्यों भाई अभी अपनी तरफ से ना बना दिया कोई जो क्या होता है देखो एक एंगल मान लिया थीटा है माइनस एक एंगल दूसरा एंगल है पाई बाई टू प्लस थीटा दो एंगल है हो नहीं सकते ऐसे पढ़े होंगे तो एंगल भाई माइनस थीटा पढ़ेंगे कोई नई बात तो है नहीं इन दोनों क्या कर दूंगा सम कर दूं भाई कितना आ गया तो ये क्या कहलाते हैं भाई एलाइड एंगल। ठीक उतार लो भाई अच्छी ये नई चीज़ है नई चीज़ नहीं बिल्कुल ये तो नहीं पढ़ी होगी तुमने या पढ़ी नहीं ठीक है भाई
तुम्हें सब कुछ याद करके लाना है, कल को टेबल याद करके लानी है। क्या याद करके लानी है भाई? टेबल कौन सी? एंगल की, साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो, साइन थ्री की वैल्यू कितनी हो, चौबीस की वैल्यू कितनी हो, है सब याद है। साइन 120 की वैल्यू कितनी हो, साइन 130 की, ये कल को सारी याद कर लेनी है। कल को तुम्हारे सारी याद हो जाएगी, बस एक लाइन याद कर लेना। क्या कहा मैंने? मेरे कहने से एक लाइन याद कर लेना, उसके बाद सॉरी कितनी दुनिया के एंगल हो सबकी निकल जाएगी। सिर्फ उसके लिए शर्त क्या है? एक लाइन याद, मेरे कहने से। तुम्हारी याद है वो, तुम्हारे है ही याद, जो कितने तो याद है, तुम्हारे कहने में तो याद है, और जितना हो सके याद कर लेना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, थैंक्स, कल मिलते हैं। ठीक है भाई।